आज 21 अप्रैल को आईपीएल 2022 का 33वां मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन इस मैच पर आज करोड़ों क्रिकेट फैंस की नज़र है, क्योंकि आज जिन दो टीमों के बीच मुकाबला होना है उन दो टीमों के लिए यह मैच करो या मरो की स्थिति पैदा कर चुका है। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला है और मुंबई इंडियंस की टीम अब अगर एक भी मैच यहां से हारती है तो उसके लिए इस सीजन के प्ले ऑफ में पहुंचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम अपने 6 में 6 मुकाबले हारकर पॉइंट टेबल में 0 अंक के साथ 10वें स्थान पर काबिज है और अब उसके इस मैच के साथ ही 8 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपने बचे हुए 8 मुकाबले में से एक भी मैच हारती है तो उसके लिए इस सीजन के प्ले ऑफ में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही है, इसलिए इस बार आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में खेलने के लिए प्रतियोगिता जबरदस्त है और इस बार 7 मैच जीतने वाली टीम के लिए आईपीएल का प्लेऑफ का दरवाजा नहीं खुलने वाला है, इसलिए इस बार आईपीएल के प्लेऑफ में जाने के लिए कम से कम 8 मैच बेहतर रन रेट के साथ जीतना आवश्यक है और मुंबई इंडियंस की टीम का मात्र 8 मुकाबले इस मुकाबले के साथ ही बचा हुआ है, इसलिए यहां से एक भी हार मुंबई इंडियंस के लिए इस आईपीएल के प्लेऑफ में जाने की संभावनाओं को खत्म कर सकती है। तो वहीं आज मुंबई इंडियंस की टीम जिस टीम के खिलाफ उतरने जा रही है उस टीम की भी कमोबेश यही स्थिति है। आज जिस टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस उतरने जा रही है वह टीम है चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी अभी तक अपने 6 मुकाबले खेल चुकी है और उसके भी सिर्फ 2 अंक हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी इस मैच के साथ 8 मुकाबले बचे हुए हैं। इन 8 मुकाबले में एक भी मैच चेन्नई की टीम अगर हारती है तो उसके लिए भी प्लेऑफ में जाने का रास्ता बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसलिए आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा। आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 पर आरंभ होगा। चलते चलते हम आपके सामने आज का करंट पॉइंट टेबल रखने जा रहे हैं, जिसे आप देखकर यह सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि आज का मुकाबला किस तरह करो या मरो में तब्दील हो गया है और आज जो टीम जीतेगी वह टीम आगे बढ़ेगी और जो टीम हारेगी उसके लिए इस आईपीएल में आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। आईपीएल संबंधित सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।